सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। जैसे कि आप जानते हैं कि करवा चौथ का फेस्टिवल आने वाला है, सभी इंडियन मैरिड लेडी इस फेस्टिवल के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फेस्टिवल के लिए। हम सभी लोग, मुझे लगता है, एक महीने पहले से ही ये सोचने लग जाते होंगे कि इस फेस्टिवल वाले दिन हम लोग कैसी साड़ी पहनेंगे, क्या ज्वेलरी लेंगे, और यही सब सबके दिमाग में चलता रहता है। मेरे दिमाग में तो बहुत चलता है। आप भी अगर ये सब सोचते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मैंने अभी फेस्टिवल को, काफ़ी टाइम है लेकिन फेस्टिवल के लिए जो थाली होती है उसको डेकोरेट किया है, लोटा या फिर कलश जिसे बोलते हैं उसको डेकोरेट किया है और छन्नी को भी डेकोरेट किया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये सब कैसे डेकोरेट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस थाली को डेकोरेट करूंगी, इस छन्नी को डेकोरेट करूंगी और साथ में इस लोटे को भी डेकोरेट करूंगी। थाली को डेकोरेट करने के लिए ये मैंने मेटेलिक शीट ली है। ये आपको इजीली किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से मिल जाएगी। इसको मैंने सर्कल शेप में काटा है और इसे थाली से थोड़ा बड़ा काटा है ताकि मैं इसे इजीली इस पर चिपका सकूँ। मैंने थाली पर मेटेलिक शीट पेस्ट कर दी है। अब मैं इसके चारों यहाँ पे किनारों पर लेस लगाऊंगी। इसको ऐसे करके चिपकाना है। प्लेट के चारों ओर मैंने लेस लगा दी है। मैंने लेस को चिपकाने के लिए ये फेवी बॉन्ड यूज किया था क्योंकि फेवी कॉल से ये चिपक नहीं रहा था। अब मैं इसके सेंटर में ये पिंक मेटेलिक शीट पेस्ट करूंगी। मैं इस पिंक सर्कल के बीच में अब ये मिरर लगाऊंगी। मेरे पास घर पर ही एक ऐसी लेस पड़ी हुई थी, इसमें ये ऐसी पेटल्स हैं। मैं इनको ऐसे, इसकी सारी पेटल्स को निकाल लूंगी और इसके चारों ओर चिपकाऊंगी ऐसे। मैं इनको ऐसे फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसके चारों ओर चिपका दूंगी। मैंने मिरर के चारों ओर पेटल्स को चिपका लिया है। मेरे पास ये फॉर्म शीट वाला पर्पल कलर का फ्लावर है जो मैं ये अब इस मिरर के ऊपर चिपकाने वाली हूँ। ये मेरे इस सर्कल से मैच कर रहा है और साथ ही साथ ये लेस के साथ भी मैच कर रहा है। मैं ये ग्रीन कलर की स्टोन्स हैं, जो स्टिकर स्टोन्स होते हैं, ये भी आपको बहुत ही इजीली आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगा। इसको इस पिंक सर्कल के चारों ओर लगा दूंगी। ये स्टोन्स मैंने सर्कल के चारों ओर लगा दिए हैं। लेस के चारों ओर जो ये नीचे स्पेस है, यहाँ पर मैं ये कलरफुल पॉम पॉम्स लगा दूंगी। ये भी आपको बहुत ही इजीली आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएंगे। आप इन पॉम पॉम्स की जगह थर्माकोल बॉल भी यूज कर सकते हैं। करवा चौथ की थाली मैंने सजा दी है। अब मैं छन्नी को डेकोरेट करूंगी। मैं इस छन्नी के चारों ओर ये सिल्वर मेटेलिक पेपर लगा दूंगी। मैंने ये सिल्वर मेटेलिक शीट इसके चारों ओर लगा दी है। अब मैं ये कलरफुल सेलो टेप लूंगी और इसके चारों तरफ कोनों पे ऐसे चिपका दूंगी। अब मैं ये रेड और ये वाले ग्रीन स्टोन इस छन्नी पर ऐसे लगाऊंगी वर्टिकली। मैंने इस छन्नी के चारों ओर ऐसे वर्टिकली सारे स्टोन्स कलरफुल जो थे लगा लिए हैं। अब मैं अंदर की साइड इसके मेटेलिक सिल्वर शीट लगाऊंगी।
मैंने इस छन्नी के चारों ओर पिंक वाली लेस लगा दी है और यहाँ पर जो ये स्पेस है मैं इस पर ये छोटे वाले पॉम पॉम्स हैं इन कोनों पर लगा दूंगी। मैंने इस छन्नी के चारों ओर जहाँ स्पेस खाली था वहाँ पर पॉम पॉम्स लगा दिए हैं। अब आप ये वाला हुक देख रहे होंगे, इसके चारों ओर मैंने वूल लगा दी है, इसे वूल से अच्छे से लपेट दिया है। मैं इसके पहले नीचे लटकन में पॉम पॉम्स लगाना चाहती थी लेकिन मेरे पॉम पॉम्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ दो ही बचे हैं, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट बीड्स भी इसके अंदर लगाऊंगी और साथ ही साथ टैसल भी लगाऊंगी। लटकन बन गई है, अब मैं इसको छन्नी में हैंग कर दूंगी। मेरे पास पिंक कलर का थ्रेड नहीं था इसलिए मुझे व्हाइट लेना पड़ गया, लेकिन आप कोशिश करना कि आपको मैचिंग का ही थ्रेड मिले। इसकी लटकन मैंने लगा दी है, अब मैं लोटे को डेकोरेट करूंगी। अब ये मेटेलिक शीट जो है मैं इस लोटे के चारों ओर ऐसे चिपकाने वाली हूँ। अब मैं इस लोटे के चारों ओर ऐसे वर्टिकली ये लेस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगाने वाली हूँ। मैंने ये इस कलश पर लेस लगा दी है, अब जो ये गैप बचा हुआ है उन पर मैं ये जो मेरे पास फॉर्म शीट वाले फ्लावर्स थे वो लगा दूंगी जो मैंने थाली पर लगाए थे। अभी आप देख रहे हैं इस लोटे पर यहाँ पर ये स्पेस खाली है, तो इस स्पेस को भरने के लिए मैं ये वाली लेस इसके चारों ओर लगा दूंगी। कलश के चारों ओर मैंने ये वाली बीड्स वाली लेस लगा दी है। अब मेरा ये कलश भी रेडी हो गया है। मेरी तीनों चीज़ें थाली, छन्नी और लोटा तीनों ही बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। आप इसे बहुत ही इजीली अपने घर पर बना सकते हैं, आप इसे बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।